लाहौल स्पीति जिले के कुकुमसेरी में एक दिवसीय रेशम जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रेशम उद्यमिता विकास केंद्र बाली चौकी के तत्वाधान में आयोजित इस जागरूकता शिविर में तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि शहतूत की खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें शून्य लागत के साथ आमदनी के बेहतरीन अवसर जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहतूत की खेती के पहले चरण में किन्नौर में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब लाहौल घाटी में भी इस व्यवसाय को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घाटी में शहतूत की खेती को बढ़ावा मिलने से न केवल पर्यावरण को और संरक्षण मिलेगा बल्कि आर्थिक समृद्धि के नए द्वार भी खुलेंगे। आज हमने एक कृषि और बागवानी के साथ साथ जो एक नया अध्याय लाहौल स्पीति की जोड़ना शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की सोच कि लाहौल हर व्यक्ति का आय दुगना हो, उसमें हमने एक नया कदम उठाया है। आज रेशम की खेती हमने यहाँ शुरू किया है, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। मुझे लगता है जिस तरह से महिलाएँ हमारी मेहनत का शेय, उसे ये योजना रेशम की खेती जो है महिलाएँ अपनाएंगी और इसमें जो है महिलाओं का आय, किसानों का, बागवानों का आय जो है दुगना होगा।